जर्नलिस्ट काफी गुस्से में चमकीला से पूछती है कि अपने गानों में औरतों को ऑब्जेक्टिफाई करना क्या आपको गलत नहीं लगता? इस पर चमकीला बहुत ही पोलाइटली जवाब देते हुए कहता है कि हर किसी की सही गलत सोचने की औकात नहीं होती। मैं वही गाना बनाता हूँ जो लोग सुनना पसंद करते हैं, वरना मैं खत्म हो जाऊंगा। इस एक सीन में जितने सिंपल तरीके से चमकीला अपनी सोच अपनी समझ को सामने रखता है, डायरेक्टर इम्तियाज अली ने इस फिल्म को भी उतना ही सिंपल लेकिन इफेक्टिव अप्रोच दिया है। विदाउट गेटिंग ट्रैप्ड इन द चक्रव्यूह ऑफ राइट एंड रॉन्ग, वो सिर्फ म्यूजिक और इमोशंस के जरिए कहानी को इतना ऊंचा ले जाते हैं कि आप खुद इसके बारे में बिना सोचे नहीं रह पाएंगे। टुडे इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द लेटेस्ट फिल्म चमकीला विच इज स्ट्रीमिंग ऑन नेटफ्लिक्स। जराबे बनाता हूँ कारखाने में, जबकि दिन रात मेरे दिमाग में संगीत चल रहा होता है और मैं जराबे बना रहा होता हूँ। तू है कौन है? आज कुछ नहीं हो जी, पर कल हो जाएगा। हाँ, इश्क मिटाए हाय हाय, निमाए मेरा इश्क मिटाए। अमर सिंह चमकीला, मेरा नाम ही गलत बोल दिया, मैंने संदीला बोला था। ओ तो जाना है यार, कल को कौन तेरा नाम याद रखने वाला है, चल जा। तेरी माँ दी तलाशी रहनी नी, बापू साडा गुम हो गया। इम्तियाज अली की स्टोरी टेलिंग हैज ऑलवेज बीन अ यूनिक ब्लेंड ऑफ रियलिज्म, इमोशंस एंड डेप्थ, मेकिंग हिज फिल्म्स एंगेजिंग एंड थॉट प्रोवोकिंग एट द सेम टाइम। उनकी पिछली दो फिल्में जब हैरी मेट सेजल एंड लव आजकल टू डिसअपॉइंटेड मी अ लिटिल, बट आई एम सो सो हैप्पी दैट ही ब्रिंग्स हिज मैजिक बैक विथ अमर सिंह चमकीला। जब इस फिल्म की अनाउंसमेंट हुई थी उसके बाद आई रेड अ लॉट अबाउट द सिंगर अमर सिंह चमकीला एंड आई वॉज सो इंट्रीग्ड विद द आइडिया दैट हाउ इम्तियाज विल प्रेजेंट हिज जर्नी। चमकीला वो कलाकार थे जिनका सिंगिंग करियर सिर्फ 9 से 10 सालों का था। इतने कम समय में ही उन्होंने बहुत पॉपुलैरिटी हासिल की, लेकिन जिन गानों की वजह से उन्हें देश दुनिया में पहचान मिली, उन्हीं गानों की वजह से महज 27 साल की उम्र में चमकीला और उनकी पत्नी अमरजोत के सीने में गोलियां दाग दी गई। चमकीला के कातिल ना तो कभी पकड़े गए और ना ही कभी उनकी कोई खबर लगी, सिर्फ कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज रह गए। क्या उन्हें उन लोगों ने खत्म कर दिया जिन्हें लगता था कि वो अश्लील गानों से समाज को गंदा कर रहा है, या ये उनके कंपटीटर्स की साजिश थी, और डिड ही जस्ट पे द प्राइस फॉर मैरिंग अ जट सिख गर्ल हु मूव्ड आउट ऑफ हर फर्स्ट मैरिज टू परस्यू सिंगिंग करियर। चमकीला में ऐसा क्या था जिसने सभी पॉपुलर पंजाबी सिंगर्स को उस समय पीछे छोड़ दिया था? पंजाब ही नहीं, इंडिया से बाहर कनाडा, अमेरिका और दुबई तक में उसके गाने गूंज रहे थे। उनके कैसेट्स की रिकॉर्ड तोड़ बिक्री हो रही थी। कहा जाता है कि साल भर हर दिन उनका कोई ना कोई लाइव शो होता था। चमकीला की बेजोड़ पॉपुलैरिटी की एक बड़ी वजह थी उसकी बेबाकी, जो उसके लिरिक्स में होती थी। उसने हमेशा अपने आसपास सोसाइटी में जो देखा वही गानों में कंपोज किया। कभी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की बात करता, कभी शराबियों की बात करता, कभी औरतों के साथ होते गाली गलौज को गाने में सुनाता, कभी जातिवाद पे कमेंट करता। डबल मीनिंग सॉन्ग्स वर एट इट्स पीक इन द डिकेड ऑफ 1980s इन पंजाबी म्यूजिक। चमकीला वाज नॉट अलोन इन दिस लीग, बट यस ही वाज द बेस्ट। चमकीला और अमरजोत दोनों की स्टेज प्रेजेंस काफी जबरदस्त थी। दोनों शो पर शो करते गए और महज 3-4 साल में ही पूरे पंजाब में उनके गाने छा गए। इम्तियाज अली ने चमकीला की जिंदगी के हर पक्ष को ब्रिलियंटली इफेक्टिव तरीके से सामने रखा है। उसका बचपन हो, शुरुआती स्ट्रगल हो, स्टारडम का दौर हो, या 1984 का तनावपूर्ण माहौल हो। When there was an atmosphere of tension everywhere in Punjab, Chamkila ke shows mein 200 se 300 logon ki bheer jama ho jati thi. Shayad yahi safalta kuch logon ki aankhon mein khatakne lagi thi. Chamkila's life is the story of an underdog from lower class, rising from dust to making it to the top. Imtiaz Ali ki har filmon ki tarah, yahan bhi kahani kuch flashback, kuch aaj mein chalti hai. But in a most subtle way. And there are so many scenes that needed to be discussed because it's so beautifully scripted, shot and performed. But I will not go into details of the scenes because it will be kind of a spoiler for some people. However, the way Naram Kalja is being shot, choreographed and emoted, you will be in love with this song and that atmosphere. It's just brilliant. Imtiaz Ali has shown how biopic films should be made. The editing by Aarti Bajaj is fantastic. जिस तरह से रियल लाइफ फुटेज का जगह जगह इस्तेमाल किया गया है, इट मेक्स द स्टोरी मोर एंगेजिंग एंड रूटेड। ऑल्सो आई एम हैप्पी दैट इम्तियाज चोज टू डिस्प्ले द लिरिक्स ऑफ पंजाबी सॉन्ग्स इन इंग्लिश ऑन स्क्रीन। इट्स थॉटफुल ऑफ द मेकर फॉर हिज ऑडियंस।
परफॉर्मेंसेस की बात करें तो दिलजीत दोसांझ ने एक बार फिर दिल जीत लिया. आई रियली कांट इमेजिन एनीबॉडी एल्स डूइंग दिस रोल. दिलजीत खुद भी एक सिंगर हैं, सो आई एम वेरी श्योर ये उनके लिए आसान नहीं रहा होगा बिकॉज यू ऑफन गेट लॉस्ट इन योर ओन पर्सनैलिटी. बट ही मेड श्योर टू स्टिक टू द कैरेक्टर फ्रॉम द फर्स्ट फ्रेम टिल लास्ट. परिणीति चोपड़ा एज अमरजोत कौर लुक्स एफर्टलेस फ्रॉम बींग अ शाय बट कॉन्फिडेंट वुमेन ऑफ स्टेज टू बिकमिंग अ सेंसेशन ऑन स्टेज विद चमकीला. शी ब्रिंग्स द मैजिकल ट्रांसफॉर्मेशन क्वाइट ब्यूटिफुली. द रेस्ट ऑफ द क्लास टू ब्रिंग्स देयर बेस्ट आई फील. And last but not the least, the music of Chamkila, the soul of this movie. मैं लूप में सुन रही हूँ इसके गाने आजकल. This film is the fourth collaboration of Imtiaz Ali with A.R. Rahman and Irshad Kamil after Rockstar, Highway and Tamasha. And must say, this trio just created a masterpiece. The lyrics of every song paint the picture for us of Chamkila and Punjab at that time. Also, since it is a biopic, चमकीला के गानों को भी फिल्म में शामिल किया गया है जिससे खुद दिलजीत और परिणीति ने आवाज दी है. Both actors have sung a total of 15 songs for the film. For this, they underwent extensive training with Rahman. In one of his interviews, इम्तियाज अली ने कहा था कि म्यूजिक कैन मेक और ब्रेक अ मूवी, सो इट ऑलवेज प्लेड अ क्रूशियल पार्ट इन हिज फिल्म्स. एंड विथ चमकीला आई वुड से ही स्पेल्स द म्यूजिकल मैजिक वंस अगेन. Amar Singh Chamkila is streaming on Netflix. Please do watch the film and share your reactions in the comments too. Thank you for watching my channel. Bye-bye.